अलैकुम। कुछ दोस्त ने हमें कमेंट करके बताए थे, 3 साल के बच्चे का कोट कटिंग करके बताइए। तो ठीक है, हम जिसको कटिंग करते हैं सबसे पहले हम मार्क लगाते हैं, नीचे सीधा एक मार्क लगा लेंगे, एक मार्क यहाँ पे सीधा लगा लेंगे। बच्चे का लेंथ है 17 इंच, देखिए 17 इंच लेंथ है। यहाँ पे थोड़ा मार्जिन रखेंगे, 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब ये 17 इंच पे हम ये और थोड़ा बढ़ा लेंगे। इसको डाउन करेंगे 1.25 इंच। आरमोल देंगे इस बच्चे का 5 इंच, यानी 10 इंच आरमोल रहेंगे। सारे 10 पे कमर का मार्क लगाएंगे। इसको सीधा कर लेंगे। छोटे बच्चे का कोट है इसलिए बच्चे के हिसाब से हम इसको कट करेंगे, बड़े के जैसा नहीं कट करेंगे। ये बच्चे का चेस्ट है, सारे 22 इंच चेस्ट है, सारे 22 का चौथा हिस्सा आएगा, सारे 22 का चौथा हिस्सा आएगा, सारे 5 इंच 1 पॉइंट आएगा। यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। 21 इंच कमर है, उसका चौथा हिस्सा 1.25 आएगी। नीचे 22 इंच है, अब इसमें हम मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच, यानी 3 इंच मार्जिन रहेगी फिटिंग, यानी टोटल हम यहाँ से 2 इंच देंगे। सीधा मार्क ले लेंगे, ए मार्क सीधा ले लेंगे। शोल्डर है 10.5 इंच। साढ़े दस का आधा 1.25 आ रही है, 0.5 इंच बढ़ के लगाएंगे। अब हम इसको सीधा मार्क ले लेंगे और थोड़ा अंदर में मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे 2.5 इंच देंगे और यहाँ 1 इंच बढ़ाएंगे, जो यहाँ पे काज रहेगी ना उसके लिए।
एक इंच पौन इंच रहेगा। हम एक अंदाज से इसको डाउन कर लेंगे यहाँ से। एक अंदाज से डाउन कर लेंगे। और ये मार के यहाँ लगा लेंगे। अब यहाँ यहाँ तक गोलाई कर लेंगे इसको। यहाँ से ब्रेस जो पलटी होगी 9 इंच रहेगी। ये 9 इंच का मार्क लगाएंगे हम। यहाँ से 1.25 इंच रहेगी और यहाँ पे 2 इंच रहेगी। अब यहाँ पे हम हल्का क्रॉस कर लेंगे इसको। इसको अब हम कटिंग कर लेंगे। पाँच इंच पे वॉलेट पैकेट का मार्क लगाएंगे। हल्का क्रॉस कर देंगे इसको। अब यहाँ पे देख लेंगे कितना आ रही है। यहाँ पे 1 इंच रेडी आएगी। 1 इंच यहाँ से छोड़ के 1.5 इंच का पैकेट रहेगी। नीचे से 5 इंच रहेगी। यहाँ 2 इंच छोड़ लेंगे। ये सामने से 2 इंच, 3.5 इंच पैकेट रहेगी इसका मुंह। छोटा बच्चा है इसलिए यहाँ पे डांट नहीं मारेंगे। नहीं इसको भी नहीं कट करेंगे। ये ऐसा ही रहेगा, छोटा बच्चा है। हम बैक पल आप कट करेंगे। ये मार्क को हम सीधा कर लेंगे पहले और थोड़ा ऊपर बढ़ा लेंगे।
एक सीधा मार्क लेंगे इसको। एक पीछे यहाँ पे लेंगे, कमर का मार्क तो ले लिए। यहाँ पे एक इंच से एक पॉइंट कम लेंगे और यहाँ पे आधा इंच लेंगे। अब इसको यहाँ पे शेप देंगे। देख लेंगे ये सामना कितना तैयारी आएगी। 22.5 इंच चेस्ट है। सामना 8 इंच आ रही है तैयारी। यहाँ पे कितनी आ रही है कमर के पास, 7.5 इंच आ रही है। तो हम इसमें लूजिंग 3 या 4 इंच रखेंगे, 4 इंच मान लेते हैं। तो 22 और 4 26 यानी 27 इंच। तो ये सामना ये आ रही है, आठ इंच आ रही है यानी 16 इंच आ रही है, 16 इंच आ रही है। सताईस इंच अपने को चाहिए। 27 इंच पे यहाँ पे मार्क लगाएंगे। यहाँ पे 15 इंच आ रही है। तो यहाँ पे होना चाहिए 27 है, तो यहाँ पे 26 होना चाहिए। नीचे कितना आ रही है, नीचे 7 इंच आ रही है। तो यहाँ पे भी 27 इंच आना चाहिए। इसको पहले मार्क लगा लेंगे। ये क्या है, थोड़ा इसके वजह से कॉलोस हो गई है क्योंकि बच्चा में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ भी थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे। पीछे 2 इंच रखेंगे, 10.5 शोल्डर, आधा इंच मार्जिन रखेंगे। अभी क्या है, यहाँ पे ये जो ज़्यादा बाहर आ रही है हम यहाँ पे कम करके अंदर ले लेंगे। ये जो हम यहाँ पे ज़्यादा भाग रही है ना, इसके वजह से यहाँ पे अंदर लेंगे। और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा है, और इसको मिलाने में थोड़ा टाइम, मिलाने में एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको ज़्यादा ही काट करेंगे, कटिंग करेंगे। बड़े लोग को काटना बहुत आसान है, थोड़ा बच्चे में थोड़ा क्या है,
बच्चे का साइज कम रहता है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है। जैसे बड़े का आस्तीन रहता है उस तरह नहीं कट करेंगे हम, बच्चे का कुछ अलग तरीका से कट करेंगे, क्योंकि आस्तीन छोटा रहता है, चढ़ाने में बहुत तकलीफ हो जाएगी, इसकी वजह से बच्चे के हिसाब से हम कट करेंगे। ये आरमोल है 10 इंच, यहाँ पे हमने 5 इंच का मार्क लगाया और यहाँ पे थोड़ा मार्जिन देके बच्चे का आस्तीन है 11.5 इंच या हम 12 इंच पे इसको रखेंगे, क्योंकि आस्तीन ऊपर खींच लेगी। 7.5 इंच मोड़ी रहेगी। यहाँ से एक मार्क लगा लेंगे सेफ का मार्क, अब इसको सीधा कर लेंगे। अब इसको हम जो कटिंग करेंगे, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे जो मुंडा के पास जो उठा हुआ रहता है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे गोलाई करेंगे। ये ऐसा रहेगी आस्तीन। हमने कितना क्रॉस किया हम यहाँ से ऐसे नाप के देख सकते हैं, 4 इंच क्रॉस हो रही है। अब यहाँ से सीधा मार्क लगा के आप 4 इंच क्रॉस कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको हम कट कर लेंगे। हमें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कोई भी सवाल है तो कमेंट करके हमें बताइए।